Hello students, today we'll start examples of Cauchy sequence. So first example, I prove that sequence 1 by n square is a Cauchy sequence. बेटा कोशी सीक्वेंस के हमने डेफिनेशन पढ़ी है ए एन माइनस ए एम लेस देन एप्सिलॉन 4 एन एम ग्रेटर देन इक्वल टू टी टी डिपेंड अपॉन एप्सिलॉन सेकंड ए एन प्लस पी माइनस ए एन लेस देन एप्सिलॉन 4 एन ग्रेटर देन इक्वल टू टी पी क्या है बेटा नेचुरल मैंने ये डेफिनेशन बेटा आपको लास्ट वीडियो में और थ्योरम भी प्रूव किया बेटा सो फर्स्ट बेटा प्रूव दैट 1 बाय एन स्केयर इज ए कोशी सीक्वेंस 1 बाय एन स्केयर इज ए कोशी सीक्वेंस ओके तो कैसे प्रूव करना है लेट ए एन इक्वल टू 1 बाय एन स्केयर ओके देन वी टेक एम ठीक है ए एम इज इक्वल टू 1 बाय एम स्केयर एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम विदाउट एनी लॉस मैंने अज्यूम कर लिया बेटा एन इज ग्रेटर देन एम देन If Cauchy sequence a n minus a m less than epsilon, if 1 by n square minus 1 by m square less than epsilon, आपको मालूम है बेटा n greater than m, n square greater than m square, 1 by n square less than 1 by m square, आपको modulus की definition मालूम है बेटा x यदि x positive है, minus है यदि x negative है तो मेरे पास क्या है बेटा इफ माइनस 1 बाय एन स्क्वायर प्लस 1 बाय एम स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन इफ 1 बाय एम स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन प्लस 1 बाय एन स्क्वायर इफ 1 बाय एम स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन बिकॉज़ इफ 1 बाय एम स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन एप्सिलॉन इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 1 बाय एन स्क्वायर ओके सो इफ दिस वन ट्रू दिस वन इफ ठीक है बेटा If reciprocal m square greater than 1 by epsilon, m greater than 1 by root epsilon, choose t, क्या लिखे है बेटा मैंने greater integer 1 by epsilon plus 1. So बेटा मैंने ये प्रूव कर दे ये Cauchy sequence होगा if t is equal to 1 by root epsilon plus 1. तो ये थी first example. Second, prove that n upon n plus 1 is a Cauchy sequence. तो ये कैसे प्रूव करना है बेटा हमें लेट ए एन इक्वल टू देखो बेटा ए एन इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस वन ओके सेम ए एन माइनस ए एम लेस देन एप्सिलॉन एन एम ग्रेटर देन इक्वल टू टी बेटा दो ही डेफिनेशन तो बेटा इफ सो बी बेटा एन प्लस इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा सो वी राइट 1 माइनस 1 बाय एन प्लस 1 देन ए एन इफ 1 माइनस 1 बाय एन प्लस 1 माइनस ए एम की वैल्यू बेटा प्लस 1 बाय एन प्लस 1 लेस देन एप्सिलॉन ठीक है इफ 1 बाय एम प्लस 1 माइनस 1 बाय एन प्लस 1 लेस देन एप्सिलॉन एन ग्रेटर देन एम ग्रेटर देन एम प्लस 1 सो बेटा ये देखो आप ठीक है 1 बाय एन प्लस 1 लेस देन एम प्लस 1 तो ये क्या है बेटा पॉजिटिव इफ 1 बाय एम प्लस 1 प्लस 1 बाय एन प्लस 1 देखो ये पॉजिटिव है ना यदि ये तो 1 बाय एम प्लस 1 माइनस 1 बाय एन प्लस 1 लेस देन एप्सिलॉन इफ 1 बाय एम प्लस 1 क्या है बेटा हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन इफ एम प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1 बाय एप्सिलॉन इफ एम ग्रेटर देन 1 बाय एप्सिलॉन माइनस 1 चूज t is equal to 1 by epsilon minus 1 plus 1. So, beta, yehi humne prove karna dekho, n greater than m, m is greater than t. So, beta, yehi humne prove karna tha for Cauchy sequence. Beta, third example, beta. Third example, kya hai beta, prove that
थर्ड एग्जांपल बेटा, थर्ड एग्जांपल है बेटा माइनस वन द पावर एन अपॉन एन इज ए कोशी सीक्वेंस। लेट ए एन इज इक्वल टू माइनस वन द एन अपॉन एन। ओके, बाय डेफिनेशन ए एन माइनस ए एन लेस देन एप्सिलॉन, इसको टेक वन। इफ माइनस वन द एन अपॉन एन माइनस वन द m upon m less than epsilon, but minus 1 the n upon n minus 1 the m upon m, we know that triangular inequality less than equal to minus 1 the n upon n the modulus plus minus 1 the m upon m the modulus. Okay, this one equal to 1 by n plus 1 by n, kyunki n n kya hai, natural number, minus 1 the n the modulus, this one equal to 1. Okay, then beta from 1, this one is less than, dekho beta which are possible, dekho yahan pe kya hai, 1 is true, ye kya hai na, 1 is true if this one is possible, if 1 by m plus 1 by m is less than, because this one equal to this, so this one is true if 1 by n less than plus 1 by m less than. If देखो बेटा इसको नंबर टू ले लीजिए, n इज ग्रेटर देन m, 1 by n इज लेस देन 1 by m, सो 1 by n प्लस 1 by m लेस देन 1 by m प्लस 1 by m 2 by m, बेब दिस सेकंड इज ट्रू इफ 2 by m लेस देन एप्सिलॉन। दोबारा देख लीजिए बेटा एक बार, an हमें ये, तो an माइनस an लेस देन एप्सिलॉन, सो माइनस माइनस वन दी एन अपॉन एन माइनस वन दी एम अपॉन एम लेस देन एप्सिलॉन। बेटा मैंने इसको क्या लिखा बेटा, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी यूज 1 बाय एन प्लस 1 बाय एम, तो व्हिच इज पॉसिबल इफ दिस वन इज लेस देन एप्सिलॉन, बिकॉज दिस वन इज लेस देन इक्वल टू दिस, हमें क्या चाहिए बेटा लेस देन एप्सिलॉन, ये लेस देन एप्सिलॉन होगा इफ ए एन 1 बाय एन प्लस 1 बाय एम क्या हो बेटा लेस देन एप्सिलॉन, then n greater than m this one 1 by n less than 1 by m, तो मैं both 2 by m, तो ये वाली value किससे less है 2 by m, this one is true if 2 by m is less than epsilon, if m greater than m by 2 greater than 1 by epsilon, if m greater than 2 by epsilon, choose beta t is equal to 2 by epsilon plus 1। सो बेटा यही हमने प्रूव करना था, सो ये क्या बेटा कोशी सीक्वेंस एग्जांपल थर्ड। देन एग्जांपल फोर, एग्जांपल फोर में क्या प्रूव करना है बेटा, हमने प्रूव दैट यूजिंग कोशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस शो दैट ए एन इज इक्वल टू 1 प्लस 1 by 2 square 1 by 3 square up to 1 by n square is convergent using Cauchy general principle of convergence। okay बेटा हमने ये पढ़ा है, तो हमने definition में क्या पढ़ी थी बेटा, a n plus p minus a n less than epsilon, p क्या था बेटा natural number, n greater than equal to t, मैंने लेट p की वैल्यू क्या ले ली बेटा n, क्योंकि n भी natural number है p भी natural number है, तो मैंने यहाँ पे क्या रखा बेटा ए टू एन माइनस, मैं क्या प्रूव करने वाला हूं ए टू एन माइनस ए एन लेस देन एप्सिलॉन। ओके, मैं ये प्रूव करने वाला हूं यहां पे बेटा, फोर एन ग्रेटर देन इक्वल टू टी, आपको वाला टी किस पे डिपेंड करता है बेटा एप्सिलॉन, तो बेटा ए टू एन किसके इक्वल होगा, वन प्लस, देखो जब एन है तो यहां पे कितनी टर्म थी एन, अब मैंने क्या लिखा बेटा टू एन, तो कितनी टर्म होगी बेटा यहां पे थ्री स्केयर टू एन टर्म्स होगी, एन स्केयर एन प्लस वन द स्केयर एन प्लस टू द होल स्केयर लास्ट एन प्लस एन द होल स्केयर देन ए टू एन माइनस ए एन। ओके, ए टू एन माइनस ए एन, तो इसकी वैल्यू देखो बेटा आप, दिस 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 कैंसल,
तो मेरे पास क्या है बेटा, 1 बाय एन प्लस 1 द स्क्वायर, 1 बाय एन प्लस 2 द स्क्वायर, लास्ट 1 बाय एन प्लस एन द स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय एन प्लस 1 द स्क्वायर, 1 बाय एन प्लस 2 द स्क्वायर, लास्ट एन प्लस एन द स्क्वायर बिकॉज पॉजिटिव, एन क्या है नेचुरल नंबर ऑफ द स्क्वायर है पॉजिटिव। तो देखो बेटा एन प्लस 1 लेस देन n प्लस 2 लेस देन n प्लस n स्केयरिंग, रेसिप्रोकल, ओके। तो मेरे पास क्या है बेटा, मैंने रेसिप्रोकल किया, देखो n प्लस 1 लेस देन स्केयर रेसिप्रोकल, तो 1 बाय n प्लस n द स्केयर लेस देन less than 1 by n plus 2 the scale less than 1 by n plus 1 the scale, आपको मालूम है ये किससे less होगा n scale, तो all term is less than 1 by n scale, 1 by n scale plus 1 by n scale, देखो बेटा n plus n the whole scale less than 1 by n scale, n plus 2 the whole scale less than 1 by n scale, 1 by n, n plus 1 the scale less than, तो कितनी term है बेटा n upon n scale 1 by n, okay। ये वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी बेटा 1 बाय n, ओके। तो बाय डेफिनेशन a टू n माइनस a n लेस देन एप्सिलॉन, 1 बाय n लेस देन एप्सिलॉन इफ n ग्रेटर देन 1 बाय एप्सिलॉन, चूज t इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन प्लस n, यही हमने क्या करना था बेटा प्रूफ, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 5, prove that sequence an is equal to 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by n does not convergent by Cauchy sequence, Cauchy sequence use करते हुए prove करना है ये convergent नहीं है बेटा, जब ही convergent होता है तो हम ये prove करते हैं बेटा less than epsilon, यदि कन्वर्जेंट ना हो तो हम क्या प्रूव करेंगे बेटा ग्रेटर देन और इक्वल टू एप्सिलॉन। तो यहां पे देखो आप बेटा ए वही बात बेटा, एन की वैल्यू, पी की वैल्यू कितनी पुट की मैंने एन, ए टू एन माइनस ए एन, ओके। तो क्या वैल्यू आएगी बेटा ए टू एन, 1 प्लस 1 बाय 2, 1 बाय 3, 1 बाय एन, 1 बाय एन प्लस 1, 1 बाय एन प्लस 2 अप टू एन प्लस एन माइनस ए एन, 1 माइनस 1 बाय 2, 1 बाय 3 माइनस, सो कैंसिल बेटा, मेरे पास क्या वैल्यू आई है 1 बाय एन प्लस 1, मॉडल्स भी हटा दीजिए आप, रीजन बिकॉज पॉजिटिव है, ओके। सेम बेटा एन प्लस 1 इज लेस देन एन प्लस 2 इज लेस देन एन प्लस एन, ओके। इसका रेसिप्रोकल बेटा ग्रेटर देन n प्लस 2 ग्रेटर देन n प्लस n, तो एवरी टर्म इज ग्रेटर देन n प्लस n इक्वल टू क्यों होगी, क्योंकि 1 बाय n प्लस 1 सॉरी 1 अपॉन n प्लस n इज इक्वल टू, देखो आप 1 बाय n प्लस 1 ग्रेटर देन 1 बाय n प्लस 2 ग्रेटर देन एंड 1 बाय n प्लस n इक्वल टू, एडिंग दीज तो यहां पे क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाय एन प्लस एन, 1 बाय एन प्लस एन, लास्ट 1 बाय एन प्लस एन, तो एन अपॉन टू एन कितनी वैल्यू होगी 1 बाय 2, तो ए टू एन माइनस ए एन ग्रेटर देन क्या आ गई बेटा मेरे पास 1 बाय 2, ओके। तो आपको मालूम है एप्सिलॉन क्या है बेटा, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, वी चूज जो एप्सिलॉन है 1 बाय 2 से लेस है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव 1 बाय 4, 1 बाय 8, 1 बाय 100 कुछ भी ले लीजिए आप, तो ये किसके 1 बाय 2 ग्रेटर देन एप्सिलॉन, यदि ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ गया तो हम क्या कहेंगे बेटा डज नॉट कन्वर्जेंट, ओके। बेटा नेक्स्ट वीडियो में यही एग्जांपल कंटिन्यू करूंगा, सो थैंक यू वेरी मच।